हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये स्ट्रीट फूड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरीके के नॉन वेज रेसिपीज देखने के लिए आपको हमारे नए एनके रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब रेसिपी को देख लेते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल चिकन ऑमलेट ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक बड़ा सा तवा। इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होते ही डालेंगे हम आधी प्याज, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो जैसे ये सॉफ्ट होगी तब हम इसमें डालेंगे चिकन। लेकिन यहाँ पर हमें चिकन को बोनलेस लेना है और छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है ताकि ये जल्दी से गल जाए और खाते वक्त इसका जो मज़ा है ब्रेड के साथ दुगना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका कलर चेंज होने तक भूनना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हमारे स्वाद अनुसार और आधा टमाटर डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से मिलाने के बाद इसे हमें ढककर पकाना है। तो दोस्तों ये एक तरीके का तवा चिकन ही हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है। सिंपल चीज़ों के साथ ये तवा चिकन बहुत ही लजीज लगता है, जो कि इस ब्रेड के साथ मीन्स ऑमलेट ब्रेड के साथ बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब हमने इसे ढककर पकाया है 7 से 8 मिनट के लिए और चिकन के पीसेस अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब अगर आपको पीसेस थोड़े ज़्यादा बड़े लगे तो आप इस तरीके से इसे क्रश कर सकते हैं, इसे मैश कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये चिकन पक चुका है। अब हमें इसे तवे से निकाल लेना है क्योंकि अब हम ऑमलेट बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ पर हम ऑमलेट बनाने के लिए लेंगे 2 अंडे और अंडों को हमें तोड़ लेना है एक बोल में। साथ ही इसमें डालना है हमें काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक भी आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप कट किया है। साथ ही डालेंगे आधा टमाटर और डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। और फिर से अब हमें तवे पर डालना है तेल और इसके अंदर डालेंगे हम ऑमलेट। तो यहाँ पर ऑमलेट डालते वक्त आपको इसे थोड़ा सा फैलाना है और ऑमलेट को थोड़ा सा हम ज़्यादा फैलाएंगे तभी इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस कवर होंगे। तो आपको स्पून की सहायता से इसे अच्छे तरीके से फैलाकर इस ऑमलेट को बड़ा करना है। और अच्छे तरीके से फैलाने के बाद अब हमें इसके ऊपर रखेंगे व्हाइट ब्रेड की 2 स्लाइसेस। अगर आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं तब भी आप इस पर डाल रख सकते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर बटर और इसे पलटकर हमें दूसरे साइड भी सेकना है ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे तरीके से सिक जाए और ऑमलेट भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए दूसरे साइड भी हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है। और अब हमें ऑमलेट के जो साइड के किनारे हैं उसे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से कवर करना है। अब कवर करने के बाद हमें बीच से कट लगाना है क्योंकि इस स्लाइस को हमें चिकन के ऊपर फोल्ड करना है, कवर करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने जो चिकन रेडी किया था उसे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से रखना है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मीन्स 1 स्लाइस चीज़ के रखेंगे। अगर आपके पास क्यूब चीज़ है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट करके डाल दीजिए। और इसे देखिए इस तरीके से हमें दूसरे ब्रेड के स्लाइस से कवर करके इसे दोनों साइड अलटते पलटते सेक लेना है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप इसे रमज़ान की इफ्तार के समय या फिर सुबह के समय सहरी के समय भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही बेस्ट लगता है और चिकन को आप पहले से प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं अगर आपको जल्दी हो तो। ये देखिए मेल्टेड चीज़ के साथ ये ऑमलेट चिकन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी लगता है और इसे हम अब बीच से कट करेंगे और अब आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसे लग रहा है। तो दोस्तों ये रेसिपी आप ट्राई करके ज़रूर एक बार देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपीज लेकर आए। है ना बहुत ही गजब की टेस्टी रेसिपी। और ये देखिए मेल्टेड चीज़ का जो टेस्ट है ना इसमें बहुत अच्छा आता है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें।